हेलो सबको। ओह अब इसको तो इंट्रोड्यूस करो। शिवू शिवू छोड़ो 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 छोड़ो, ये हो गया हमारा छोटा सा मानवी, शिवन्या के सिस्टर मानवी। आई एम सॉरी, परसों बेबी हुआ लेकिन यू नो रिकवरी को टाइम लगती है, इसलिए मैं बना नहीं पाई। सो यहाँ हम लोग सब हैं, सारा हॉस्पिटल। मानवी यहाँ पे भी आराम से दूध वूध पी के सो गई है एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। दो वो 15 दिन पहले आई है अपने टाइम से, बट बाकी उसका सब कुछ हेल्थ बहुत ही अच्छा है, बहुत सही है। टच वुड, थैंक यू गाइज फॉर योर प्रेयर्स। अभी सब कुछ हम लोग बिल्कुल सही हैं एंड हम लोग बहुत अच्छा खासा अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो शिवू दीदी दीदी कम बंदरिया ज़्यादा लग रही है एंड दोनों बेटियों के पापा की हालत अभी से टाइट हो गई है। पापा की हालत अभी से टाइट हो गई है ना। तो इनका मैंने एक वीडियो डाला था ऑलरेडी, दोनों टाइम, शिवन्या के टाइम पे भी और मेरे मतलब मानवी के टाइम पे भी। फर्स्ट नाइट तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पूरा एनेस्थीसिया का असर होता है एंड आई एम नॉट एबल टू मूव। तो दोनों रात यही लेके उसको टहल रहे थे। तो शिवन्या के टाइम पे भी सेम मोमेंट थे एंड मानवी के टाइम पे भी सेम मोमेंट थे। तो मानवी के मोमेंट्स जो थे मैंने हर जगह शेयर किया था, ऑफकोर्स मैंने रिवील नहीं किया था। शिवा प्लीज़ छोड़ दीजिए उसको। तो अभी आगे मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर कर रही हूँ। देखते जाइए किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया मानवी का होना, मानवी को वेलकम किस तरह से हमने किया। अभी फिलहाल तो फैमिली में, क्योंकि अभी हम घर गए नहीं है, सो घर पे जाके तो कल होगी प्रॉपर पार्टी। सो आज मैं सिर्फ एक शॉर्ट सा वीडियो बना रही हूँ, देख लीजिए। मैं भी कोई स्टिक वगैरह भी मेरे पास फिलहाल नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मली बना रही हूँ जस्ट टू इन्फॉर्म। थैंक यू सो मच। पोस्ट तो देगी क्योंकि इसकी मम्मी यूट्यूबर है और इसकी जो बहन है बड़ी उसका नाम है शिवन्या, उसका तो बॉस बेबी शिवन्या नाम का पेज है। दोनों के दोनों रील्स बनाते रहते हैं, ये भी अब रील्स बनाएगी, है ना शिव? और पढ़ाई कौन करेगा? इधर देखो, कैसे काटो। सो फैमिली के साथ हमने एक छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी करके मानवी को वेलकम किया। सब हॉस्पिटल में ही आए थे और हॉस्पिटल में ज़्यादा शोर शराब अलाउड नहीं है, इसलिए हमने बहुत ही एकदम शांति से बैठ के बस नॉर्मली केक कट करके एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया बाबू कि हमारे घर एक और न्यू मेम्बर आया है, प्यारी सी मानवी। ओके एंड द बेस्ट पार्ट, कहते हैं ना बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, तो घर का तो पता नहीं लेकिन मुझे लक्ष्मी मिल गई है। मेरे पापा जी ने मुझे 20,000 रुपये दिए बेबी के पैदा होने पे, यानी मानवी के पैदा होने पे। हमारे यहाँ एक और मान्यता भी है जहाँ हम छोटे बच्चे को, लाइक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको परिवार से बाहर किसी को ऐसे बेचने की रस्म करते हैं। एक्चुअल में बेचते नहीं, बस रस्म करते हैं। तो यहाँ मानवी को उसकी मौसी ने 11 रुपये में ख़रीदा है। मौसी का भी सपना ही है क्योंकि हम उसको देंगे तो नहीं किसी को। सो ये रहा उसके पापा ने कमाए 11 रुपये। सो आज है 13th जुलाई, जब हमारा न्यू बेबी हमारे पास आया है मानवी, और हम मना रहे हैं अपना नाइट आउट क्योंकि शिवन्या छोड़ के जाने को तैयार नहीं है न्यू बेबी को। कोई बात नहीं, शिवन्या जो कि नॉर्मली 9-10 बजे के पहले उठती नहीं है, वो मानवी के वजह से सुबह 7 बजे से उठ के उसके झूले के इर्द गिर्द घूम रही है कि कैसे उसको मौका मिले और वो किस तरह से अपने बेबी के साथ थोड़ा खेल ले। लेकिन मानवी है कि आँख खोलने को तैयार नहीं है, उसकी नींद एकदम पक्की है। आपको पता है शिवन्या 9 महीने 3 दिन पे हुई थी एंड मानवी अपने ड्यू डेट के 15 दिन पहले हुई है, इसलिए मानवी का सिर्फ शक्ल थोड़ा छोटा लगता है, अदरवाइज़ दोनों का जो लुक है वो एकदम सेम टू सेम है। शिवन्या बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी जब छोटी थी। मेरे हस्बैंड ने फैमिली ग्रुप में ये फ़ोटो भेजा एंड सेड कि ये है मानवी, और सबने बिलीव भी कर लिया जबकि वो शिवन्या का पहला फ़ोटो था। और ये देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं। हमारे घर में बड़ा शिव और छोटा शिव आ गया है। आई होप दोनों एक जैसे बदमाश ना हो बस। ये हॉस्पिटल का सुबह का सीन, मैं उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। ये दोनों मस्त तो उसको लेकर टहल रहे हैं एंड आई एम लविंग इट, मुझे मज़ा आ रहा है।
सो नाउ आई एम ऑल गुड एंड वी आर रेडी टू डिस्चार्ज. और ये सारा दर्द तकलीफ सब कुछ वर्थ था बिकॉज फाइनली हमें हमारी छोटी सी प्यारी सी मानवी मिल गई एंड वी आर दी लकीस्ट. थैंक यू सो मच गाइस.